कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अरुण यादव ही पहले बता दें कि उनके पास जो संपत्ति है वो कहां से आई है। इन सभी मुद्दों पर बात की आईएनडी के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं। सर, अरुण यादव जी बार बार बिकाऊ और टिकाऊ की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं सर कहीं कहीं सिंधिया जी पर बार बार? पहले वो बताएं कि टिकाऊ है कि बिकाऊ है। उनके समय में जो कांग्रेस में पद बिकते थे, टिकट बिकते थे, पूरी कांग्रेस को रसातल में ले दिया, ला दिया। ये सौभाग्य की बात है कि सिंधिया जी का जन्म एक राजा के परिवार में हुआ, उन्होंने सोने की चम्मच से दूध पिया। अरुण जी बताएं कि उनके पास जो संपदा है वो कहाँ से आई है। उनको तो राज परिवार में, जिस समय देश में राजाओं को जो बंटवारा किया था, जो इतनी संपत्ति इनको दी जाएगी, तो उनके पास तो वो संपत्ति नंबर एक की है। पहले अरुण जी बताएं कि उनके पास संपदा इतनी आई कहाँ से। वो जनता की संपदा है, किसकी संपदा है बताएं पहले। सिंधिया जी का दौरा दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के क्षेत्र में, क्या मानते हैं कि कुछ वहाँ पे सेंध लगा पाएंगे? देखिए, वो हमेशा समाज सेवा के उद्देश्य से, वो राजनीति में समाज सेवा को प्राथमिकता देते हैं, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष, और ये परंपरा गलत है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई क्षेत्र नहीं होता है। जो भी क्षेत्र की जनता के लिए काम करे वही व्यक्ति महान होता है। उपचुनाव के लिए कल कमलनाथ जी बैठक बुला रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे कुछ पे, जो उनकी स्ट्रेटजी है कहीं कहीं समय पर भाजपा से एक कदम आगे नजर आए? देखो, कांग्रेस के पास सब कुछ है नहीं। पहले तो उन्हें जनता की आवाज बनना होगा, और वो जनता की आवाज अभी नहीं। अभी तो सिर्फ वो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ देखते हैं, जो जितना ज्यादा रफ बोल सके उसको पद, जो लिमिटेड कंपनी हो गई है। जैसे वो भाष अरुण यादव जी बोले तो उन्हें संसद के टिकट की चिंता है, जीतू पटवारी जी बोले उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता है। तो कांग्रेस अब जनता की आवाज नहीं उठा रही है। सर, आपने सुना प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस अब जनता के हित की बात नहीं उठा रही है, वो सिर्फ प्राइवेट और लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है। बड़ी जर्नलिस्ट राकेश के साथ संदीप मिश्रा, ये डे 24 भोपाल।